जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे तब उनको पता चला कि उनकी बेटी बहुत बीमार है, कि हो सकता है कि वह अपना शरीर ना छोड़ दे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखकर ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट किया कि मैं मेरी बेटी से मिलने के लिए घर जाना चाहता हूँ, और उन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांग ली। लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी देखकर जेलर ने उनको 21 दिन की छुट्टी दे दी, और जैसे ही घर गए और जाकर उन्होंने अपने बेटी को गले लगाए, और कुछ समय के पश्चात उनकी बेटी ने देह त्याग दी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटी का अंतिम संस्कार भी किया, बहुत आंसू बहाए, और घर लौटते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब बेटी तो नहीं रही, मैं अब जेल वापस जा रहा हूँ। उनकी पत्नी बोली 21 दिन की छुट्टी है, कुछ दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह माने नहीं। जेलर बोला आप 21 दिन घर रुक सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने मुझे छुट्टी मेरी बेटी के लिए दी थी, लेकिन बेटी ही नहीं रही तो छुट्टी किस काम के लिए। जेलर हैरान हो गया।